हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फिफ्थ के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट लेसन के बारे में, लोक प्रशासन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स की जो डिमांड आई थी, उन्होंने कहा था कि सर आप सिर्फ हमारे को जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, आप सिर्फ हमारे को जो है आंसर जो है वो लिख कर दे दीजिए, हम पूरी बुक से जो है इस तरीके से दिसंबर में एग्जाम है तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन और आंसर ही मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर जो आपको इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको हमारे मोबाइल नंबर 8700401498 पर आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपकी उसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो आपका जो लेसन है ये वाला लोक प्रशासन का, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो किस किस तरीके से बन सकते हैं, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, लोक प्रशासन क्या होता है और लोक प्रशासन के महत्व को बताइए, ठीक है, और लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं और लोक प्रशासन के महत्व पर टिप्पणी कीजिए या फिर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से जो है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी और आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। सेमेस्टर फिफ्थ के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है और आपको सिर्फ ये आंसर कर लेना है, थोड़ा सा ही छोटा होगा जिससे कि आप लोग अपने आंसर को लिख रहे हैं और आपके नंबर पूरे आ सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो मैंने बताया कि प्रशासन, तो प्रशासन का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो देखिए प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लिए होता है लोक प्रशासन कहलाता है। जो भी भाग जो सामान्य जनता के लिए होगा प्रशासन का, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, लोक प्रशासन। अब लोक प्रशासन का संबंध सामान्य अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है। तो इसको अगर हम किसी के डेफिनेशन के द्वारा देख लें कि भाई किसी भी बड़े जो महाविद्वान है उन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ पर व्हाइट ने क्या बोला है, उनके अनुसार बोला गया है कि जो लोक प्रशासन है ना वो गतिविधियां आती हैं उसके अंदर जिसका प्रयोजन सार्वजनिक नीतियों को पूरा करने और क्रियान्वित करने के लिए होता है। तो जो भी इसमें बताया गया कि जितनी भी गतिविधियां हैं, ठीक है, उनको जो प्रशासन में जितनी भी गतिविधियां हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीतियों को पूरा करने के लिए, कि जो भी सार्वजनिक नीति होती है उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर कि अगर हम अच्छे तरीके से देखें कि भाई जो लोक प्रशासन है इस अर्थ का आखिरकार शब्द जो अर्थ है वो बनेगा किस तरीके से, तो देखिए लोक प्रशासन जो है वो लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द कौन सा है आपका लोक और दूसरा कौन सा है आपका प्रशासन। तो प्रशासन कार्यों के प्रबंध और उनको पूरा करने की एक क्रिया है कि जो भी प्रबंध होंगे जितने भी कार्य होंगे उनको पूरा करने की प्रक्रिया है। किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किसी के नहीं मानव प्रबंधन गतिविधियों का प्रशासन, अब एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। जब यह सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहते हैं, जब ये किसी सार्वजनिक हित के लिए किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, लोक प्रशासन कहलाएगा। तो अब हम थोड़ा आगे लेकर चलते हैं कि लोक प्रशासन का जो महत्व है वो क्या है, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर हम लोक प्रशासन का महत्व क्या है। तो लोक प्रशासन का महत्व की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कि लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का दर्पण है, यह मानव जीवन के बहुमुखी विकास की दिशा व दशा दोनों में ही लोक प्रशासन का अमूल्य योगदान रहता है और यही आपका जो है लोक प्रशासन है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि जनहित, ये उद्देश्य जनहित है कि अधिक से अधिक जनता का हित हो और इसके लिए प्रशासन में सुधार और नए वैज्ञानिक आविष्कारों की विशेष आवश्यकता है। शासन के विशाल संगठनात्मक ढांचे में लोक प्रशासन का वही महत्व है जो हमारे घर में बैठक का होता है। जैसे सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं ना, जैसे डाइनिंग टेबल पे जब खाना खाने बैठते हैं तो इस तरीके से हम लोग जब टेबल पे बैठते हैं सारे के सारे, तो सेम इसी प्रकार से हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे संगठनात्मक ढांचे को अच्छी तरीके से चलाने के लिए पूरा प्रशासन बैठता है, ठीक है। अब लोक प्रशासन के महत्व की जो अगर हम बात करें तो कुछ इसके बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर लोक प्रशासन का जो बिंदु है वो है आपका राज्य का व्यवहारिक विशिष्ट भाग। शासन अर्थात सरकार के कार्यों और दायित्वों को मूर्त रूप प्रदान करने में लोक प्रशासन की एक अनिवार्य और विशिष्ट आवश्यकता है, पहला पॉइंट। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा आपका जन कल्याण का माध्यम। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बोला गया है कि जो वर्तमान समाजों की अधिसंख्या मानवीय आवश्यकताएं राज्य के अभिकर्ता अर्थात लोक प्रशासन द्वारा पूरी की जाती है। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा जन संचार परिवहन ऊर्जा सामाजिक शिक्षा
सुरक्षा, कृषि उद्योग, कुटीर उद्योग, पशुपालन, सिंचाई, डाक और आवास इत्यादि समस्त मूलभूत मानवीय सामाजिक सेवाओं का प्रशासन, सामाजिक सेवाओं का संचालन प्रशासन के माध्यम से ही होता है। ठीक है, प्रशासन ही इन सभी चीजों को करता है, यानी कि जनता का कल्याण, यानी कि जन कल्याण का माध्यम भी प्रशासन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है इसमें, रक्षा अखंडता तथा शांति व्यवस्था के लिए। तो यहाँ पर ये अखंडता लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद में हम बात करेंगे अभी कुशल प्रशासन क्या होता है। सरकार का एकमात्र सशक्त सहारा है और इसके अनुपस्थिति में राज्य शत विशत हो जाएगा। न्याय, पुलिस, सशस्त्र बल, हथियार निर्माण, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, बहुमूल्य खनिज, वैश्विक संबंध और गुप्तचर इत्यादि गतिविधियां ऐसी हैं जो कि किसी राष्ट्र की बाहरी और भीतरी सुरक्षा को स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो सबसे पहला प्रशासन क्या करेगा, रक्षा को, अखंडता को और शांति की व्यवस्था के लिए काम करेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या, सामाजिक परिवर्तन, कि समाज में कोई भी परिवर्तन लेकर आना है, अगर हम बात करें किसी भी बदलाव की, तो वो जो बदलाव है वो किस तरीके से आएगा, जो बदलाव है वो किस तरीके से आएगा, वो आधुनिक समाजों की विशेषता, विकासशील समाजों की परंपरागत जीवन शैली के अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा कुरीतियों में सुनियोजित परिवर्तन लाना एक सामाजिक आवश्यकता कहलाता है। उसके बाद में हमारा पांचवा पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, वो विधि एवं न्याय। आधुनिक राज्यों में मुख्य विधि का शासन प्रवर्तित है और कानून सर्वोपरि माना जाता है। ये बोला जाता है कि जो कानून है वो क्या है, वो सर्वोपरि है, मतलब सबसे परे, ठीक है, या सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो इसका फाइनली जो आपका निष्कर्ष है वो क्या निकल कर आता है, कि उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोक प्रशासन राजनीति की एक व्यवहारिक शाखा है। इसमें राज्य के प्रशासनिक या शासन के उस भाग का जो नीतियों के क्रियान्वयन से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। इसका ढांचा और उसकी कार्य प्रणाली, संगठन इत्यादि का गहन अध्ययन किया जाता है। यह कार्य कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। प्रांतीय का मतलब राज्य, ठीक है, आज के युग में इसका अध्ययन अनेकों कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये आपका जो सेमेस्टर फाइव का लेसन नंबर वन, ठीक है, ये आपका इसके अंदर कंप्लीट है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका इसके अंदर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और आपको जितने भी आंसर चाहिए आप उसके मुझे जो है जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।